हर्ष स्पोर्ट भिवंडी टाइगर अब अपने लय में लौट चुकी है। बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला है उन्होंने पिछले कप संयुक्त चषक से और इस कप में भी अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एक की विजेता है इस साल और नंबर वन पर रैंक कर रही है अमान स्पोर्ट और शिवास इलेवन के साथ। देखते हैं आज किस तरह का खेल देखने को मिलता है हमें भिवंडी टाइगर और हर्ष स्पोर्ट्स से। तो समय के मामले में सभी खेलने वाले टीमों को सपोर्ट करना है। 25 मिनट आपको दिए जाएंगे आपके 5 ओवर मुकम्मल करने के लिए। उस 25 मिनट में ही आपको अपने 5 ओवर मुकम्मल करने हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आपको पेनल्टी अनाउंस कर सकती है और उसे आपको तस्लीम करना होगा। और प्लेयर्स पवेलियन में कोई भी खिलाड़ी मोबाइल फोन यूज करता है तो उसे 2 रनों का पेनल्टी, कुर्सी छोड़कर नीचे बैठता है तो उसे भी 2 रनों का पेनल्टी दिया जाएगा। और टॉस के लिए अगर कोई भी कैप्टन इनिंग के खत्म होने से पहले टॉस बॉक्स में आकर नहीं बैठता तो भी उसे 2 रनों का पेनल्टी, क्योंकि ये अंजुमन ट्रॉफी अब तक यहाँ पर SB स्पोर्ट, अलमदनी स्पोर्ट, चैलेंज स्पोर्ट और भिवंडी टाइगर को भी पेनल्टी लग चुका है इससे पहले मुकाबलों में, और साथ ही साथ हर्ष स्पोर्ट को भी लगा था। तो सभी टीमें इस बात का बिल्कुल ही ख्याल रखे कि पेनल्टी देने में शहबाज शेख जरा भी संकोच नहीं दिखाते, फौरन पेनल्टी दे देते हैं। तो आप बिल्कुल ही वक्त और रूल और रेगुलेशन को देखते हुए चले। तो पहला ओवर लेकर आएंगे हमेशा की तरह से भिवंडी टाइगर की तरफ से अली। अगर गेंदबाज अली की चली तो फिर भिवंडी टाइगर मचाएगी खली बली। और बल्लेबाज यतीन और नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे लवेश, सामना करेंगे अली का यतीन। और मैच की पहली गेंद लेकर अली, इस बार बहुत अच्छी गेंद अली की, कट करना चाहते थे बीट हुए बल्लेबाज यतीन। डॉट बॉल के साथ शुरुआत इस मुकाबले की, बिल्कुल अच्छी गेंद वहां पर अली की, पहली गेंद डॉट के साथ ओवर की शुरुआत की। वहां पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला इस वक्त किया है बड़े मुकाबले में भिवंडी टाइगर्स ने। अली एक बार फिर से तैयार, इस बार कदमों का इस्तेमाल करके ड्राइव किया है, बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सब कुछ कह गया, अखियां ना गोली मार दिया, अंदरों प्यार भी कर दिया, अखियां ना गोली मार। फुलर लेंथ की गेंद पर उसके ऊपर खूबसूरत ड्राइव लगाते हुए गैप में गेंद जाते हुए दो खिलाड़ियों के, नयन और अमजद शेख वहां पर मौजूद थे। पहला बड़ा हिट आता हुआ यहां पर और खाता खुलता हुआ हर्ष इलेवन का। इस बार फिर से अच्छी गेंद अली की, सवाल और अंपायर की सहमति, आउट हो गए यतीन। पहला झटका लगता हुआ इस वक्त हर्ष स्पोर्ट को। तो पहला विकेट गिरता हुआ यहां पर यतीन के रूप में, एक बड़ा विकेट गिरता हुआ हर्ष इलेवन का। आगे निकलकर इस गेंद को कवर की दिशा में खेलना चाहते थे, वहां पर जिस तरह से गौतम गंभीर खेला करते थे आगे निकलकर कवर की दिशा में, जो वो स्ट्रोक खेलते थे तो लाजवाब रहता, लेकिन यहां पर लाजवाब बल्लेबाजी नहीं कर पाए यतीन और 4 रन सिर्फ बनाकर वापस लौटते हुए। यतीन पर बहुत ज्यादा यकीन था उनके कप्तान को, लेकिन उस यकीन पर खरे नहीं उतरे यतीन और जल्द आउट होकर पवेलियन लौट गए। और अब नए बल्लेबाज आकाश आए हैं बल्लेबाजी को, देखना है गेंदों को कितना आकाश में भेज पाते हैं। अली गेंदबाजी करने को तैयार, उनका सामना करेंगे इस वक्त आकाश। इस बार पहली गेंद का सामना किया था, लॉफ किया है, वहां पर कैफ राइस मौजूद है और आकाश
पहली गेंद पर चले पवेलियन की तरफ। जिस तरह से गाना रुक गया था जाए जाए पर ऐसा लग रहा पीछे से कोई पकड़ लिया था। तो यहां पर एक और विकेट गिरा है। अब हैट्रिक पर आ गए गेंदबाज अली। जी हां, अली ने मचा दिया इस वक्त खलबली। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं अली की। एक चौका लगने के बाद बैक टू बैक दो विकेट हासिल करते हुए इस वक्त अली। इस वक्त इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे, खिलाड़ी इस गेंद को रोक नहीं पाए। गेंद जा रही है कवर की तरफ और बहुत ही खराब फील्डिंग। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर चार रनों के लिए। जी अच्छा हाँ। स्ट्रोक वहां पर लवेश के बल्ले से आया, इन फील्ड के ऊपर से खेल दिया था इस गेंद को। अच्छी कोशिश की थी वहां पर दो खिलाड़ी नयन और उनके साथ में और एक खिलाड़ी थे। तो चार रन है इस गेंद पर स्कोर। इस चौकी की मदद से अब आठ रन पर पहुंच चुका है। जी हाँ, डीजे मैन ने बहुत ही अच्छा गाना बजाया था, प्यार हो जाएगा। प्यार तो हो गया हर किसी को अंजुमन ट्रॉफी और शहबाज शेख से। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है वहां पर, पॉइंट की तरफ हंसला मौजूद है। उन्हें समझ में नहीं आया गेंद किस तरफ जा रही है। दूसरे रन के लिए पलट चुकी है, फील्डिंग बिखर रही है थोड़ा सा यहाँ पर बियॉन्डेड टाइगर की। बहुत ज्यादा नाखुश थे वहां पर उनके विकेट कीपर शुमेल सूसे। इन दो रनों की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 10 रनों पर और एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी की थी वहां पर अली ने, लेकिन उनके खिलाड़ियों का उतना अच्छा साथ नहीं मिला जिसके कारण स्कोर जा पहुंचा 10 रनों पर। दो सफलता भी हासिल की अपने पहले ओवर में अली ने। तो अब गेंदबाजी के लिए लगाया गया है अमजद शेख को। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, बहुत सारे वेरिएशन मौजूद है इनकी गेंदबाजी में। स्लोर वन और तेज गति के गेंदबाजी करते हैं और साथ ही साथ स्विंग भी कराते हैं बहुत ही अच्छा। देखने किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। अच्छी शुरुआत दिलाई है वहां पर अली ने, पहले ओवर में 10 रन खर्च किए साथ ही साथ दो सफलता भी हासिल की। पहली गेंद वहां पर अमजद की, व्हाइट का इशारा है हसन मोमिन का। तो इस एक रन की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 11 रनों पर। पहले ओवर में जा अली ने 10 रन खर्च किए थे और दो विकेटें भी हासिल हुई थी उन्हें। तो मिला जुला ओवर रहा था जो पिछला ओवर रहा था। इस बार अमजद की ये गेंद वहां पर विकेट के ऊपर से निकल रही थी गेंद, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेला वहां पर बल्लेबाज ने एक रन पूरा करते हुए। इस बार अमजद की ये गेंद बाहर निकल रही थी गेंद, सफल होकर इस गेंद को खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज लवेश। एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। अच्छा वेरिएशन देख रहा है दिखने को मिलता है यहां पर अमजद शेख की गेंदबाजी में। जी हां, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं अमजद शेख।
बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन बहुत ही स्लो रखा था गेंद को, उसे पकड़ नहीं पाए थे बल्लेबाज। एक बार फिर से अमजद तैयार, इस बार शॉर्ट गेंद थी, उसे हुक करना चाहते थे वहां पर अमजद। 1/4 ओवर का इशारा आता हुआ, अच्छी गेंद रही इस बार अमजद की। इसके बाद की दोनों ही टीमें आपको बिल्कुल तैयार रहना है, सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन और SB स्पोर्ट्स समरूबाग के कैप्टन। इस बार ड्राइव किया है डीप मिड विकेट में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पर उनके साथी खिलाड़ी ने एक ही से सहमति, इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हुई थी पहले ओवर में अली से। इस बार फुल टॉस गेंद थी, देखने हैं वहां पर अंपायर का निर्णय क्या आता है। दूसरे रन के लिए पलट चुके हैं, 9 घोषित किया है और 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। नो बॉल थी, बीमर गेंद कर बैठे वहां पर अमजद शेख और फ्री हिट का भी इशारा आता हुआ अंपायर हसन मोमिन का। इस वक्त व्हाइट करार दिया अंपायर ने और इस एक रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रनों पर। अब तक अपनी लय को पकड़ नहीं पाए अमजद शेख, हम देखे तो मजहर खान जी, बिल्कुल अब तक उन्होंने, अगर हम देखे तो इस ओवर में उन्होंने 2 व्हाइट गेंदे की है। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। अब जाकर एक अच्छी गेंद हम देखे अमजद शेख की तरफ से, 2 व्हाइट गेंदे की, एक बीमर कर बैठे थे जिसका उतना लाभ तो नहीं उठा पाए थे बल्लेबाज हर्ष स्पोर्ट के। एक बार फिर से अमजद तैयार, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज, फिर से डॉट बॉल और इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने 18। तो अच्छी गेंदबाजी की, इतने एक्स्ट्रा रन देने के बावजूद भी अमजद शेख ने केवल 8 रन खर्च किए अपने ओवर में, जबकि हम देखें तो 2 वाइड 1 नो करने के बावजूद बड़े रन नहीं स्कोर कर पाए उनके खिलाफ हर्ष स्पोर्ट के बल्लेबाज। तो 2 ओवर की समाप्ति जहां पर पावर प्ले खत्म हो चुका है, हर्ष स्पोर्ट ने 18 रन बनाए, अब देखना है 3 ओवर में कितने रन बनाते हैं। यहां से हर्ष स्पोर्ट चाहेंगे कि हर ओवर में कम से कम 12 से 14 रन आए ताकि 50 क्रॉस किया जाए, क्योंकि भिवंडी टाइगर के पास बेहतरीन बल्लेबाजी लाइनअप है और देखा जाए तो फैजान शुमैल सूसे बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, उनके सामने एक बड़े लक्ष्य का स्कोर रखना ही होगा हर्ष स्पोर्ट को। समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज भिवंडी टाइगर, क्योंकि इसके बाद भी 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं, उसके बाद 2 सेमीफाइनल मुकाबला। तो अब गेंदबाजी के लिए आते हुए जला कुंबले, इसके बाद जो मुकाबला है दोनों कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में आके बैठना है, लेट नाजिम टॉस बॉक्स में। खेलने वाली टीमें रहेंगी SB स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस। तो अब गेंदबाज हंजला कुंबले, जिनके नाम इस सीजन में सबसे पहला हैट्रिक विकेट है, देखते हैं आज किस तरह की गेंदबाजी होती है। पिछले मैच में ये टीम में नहीं थे, आज इन्हें जगह दी गई है, देखना है किस तरह से कमबैक करते हैं आज अपनी टीम के लिए हंजला कुंबले। हंजला तैयार गेंदबाजी को, इस बार अच्छी गेंद और पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए हंजला अपने नाम के मुताबिक गेंदबाजी की उन्होंने और आउट होकर बल्लेबाज निशान चले पवेलियन की। हेलो।
वाला कुंगले की अच्छी गेंद वहां पर जहां पर विकेट हासिल हुआ है उन्हें ये लगने वाला चौथा झटका था, सॉरी तीसरा झटका था। इस वक्त नए बल्लेबाज सूरज आते हुए बल्लेबाजी करने को, हंजला बहुत ही अच्छी गेंद, पहली ही गेंद, इस बार फिर से उसी तरह की गेंद थी, बल्लेबाज उसी तरह का स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन इस बार बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लगा था, डॉट बॉल। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी हम यहां पर देख रहे हैं हंजला कुंगले की, जहां पर अब तक उन्होंने कोई रन नहीं दिया है, अभी भी स्कोर रुका हुआ है 18 रनों पर 3 विकेट गंवाने के बाद। हर्ष 11, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं हंजला की तरफ से, उनका प्लान साफ है बल्लेबाज से दूर रखने गेंदों को ताकि मौका ना दिया जाए बड़े स्ट्रोक खेलने का। इस बार गति में परिवर्तन, फुल टॉस हो गई थी वहां पर, डीप में जा रही है गेंद, काफी दूर से आए थे खिलाड़ी, दो रन पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने, इस बार गति में परिवर्तन किया था हंजला ने, उसे पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज इसीलिए जड़ भी नहीं पाए, आया दो रन, स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 20 रन। जी बिल्कुल, लोअर फुल टॉस गेंद थी, डीप हो रही थी ये गेंद और क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। हंजला एक बार फिर से सूरज के लिए, इस बार फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे सूरज लेकिन बीट हुए, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर हंजला की, एक और डॉट बॉल, बहुत ही कसी हुई और लाजवाब गेंदबाजी हम देख रहे इस वक्त हंजला की तरफ से, केवल 2 रन खर्च किए 4 गेंदों में और एक सफलता भी हासिल की अपनी टीम के लिए। बिल्कुल लाजवाब गेंदबाजी हम यहां पर देख रहे हैं हंजला कुंगले की, पहले वो 2 ओवर में जहां 18 रन बने थे तो अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए हंजला ने, रनों पे कहीं ना कहीं रोकथाम लगाई हुई है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई इस वक्त क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में भिवंडी टाइगर्स, एक टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है शिवास 11। इस बार फिर से गति में परिवर्तन, चकमा दिया था बल्लेबाज को वहां पर हंजला ने, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब हंजला, वेरिएशन भी ला रहे हैं गेंदबाजी में अपने, बहुत ही लंबा रनअप है अगर हम देखें तो, अगर इतने लंबे रनअप से गेंदबाज आकर स्लोर वन करता है ना तो बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं वैरायटी गेंदबाजी देख रहे हैं, वेरिएशन, और आज के जो बल्लेबाज है वो फास्ट बॉलर से नहीं डरते बल्कि डरते ऐसे गेंदबाज से जिसके पास वेरिएशन हो। इसके पहले हमने देखा कि हम अमजद शेख ने उस तरह की गेंदबाजी की और अब हंजला कुंगले, इस बार फिर से अच्छी गेंद हंजला की तरफ से, एक और गेंद, बीट होते हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल, तो कुल रन खर्च किए हंजला कुंगले ने अपने ओवर में 3 और एक सफलता हासिल की, इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं 21 3 विकेट के नुकसान पर। तो 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, 3 ओवर की समाप्ति में हम स्कोर देखें तो अब इनफ टोटल नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहां पर हंजला ने जो गेंदबाजी की वो बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जहां पर पहली गेंद पर उनको विकेट हासिल हुआ था, एक विकेट हासिल किया था उन्होंने और सिर्फ 3 रन खर्च किए, तो 3 विकेट गंवाने के बाद 21 रन बने हैं हर्ष 11। अब देखना है चौथा ओवर लेकर कौन सा गेंदबाज आता है, मेरे ख्याल से एक बार फिर से वहां पर अली को लगाया गया है, अली ने पहले ओवर में 10 रन खर्च किए थे और 2 विकेट हासिल की थी, अच्छी गेंदबाजी की थी मैंडेटरी पावर प्ले में। अब देखना है 16 ओवर में किस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, ये देखना होगा। पहली गेंद वहां पर अली की, देखना है ऑन साइड में इस गेंद को मोड़ दिया है
थोड़ा सा फंबल होता हुआ, लेकिन दूसरे रन के लिए नहीं पलटे वहां पर बल्लेबाज, एक रन से ही सहमत रहना पड़ेगा दोनों ही को। इसके बाद जो मुकाबला है सुरेश इंटरप्राइजेस और एसबी स्पोर्ट, दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। लेट नाजिम अंसारी टॉस बॉक्स। इस बार देखना है लंबा हिट लगाने की कोशिश की वहां पर लवेश ने, एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके हैं वहां पर। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट होती हुई इस दो रन की मदद से स्कोर अब आगे खिसकता हुआ 24 रनों पर। तीन विकेट गंवाने के बाद हर्ष 11 टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई दूसरे क्वार्टर फाइनल में अंजुमन ट्रॉफी 2020 अनफॉरगेटेबल, जहां पर हम देख रहे हर रोज कोई ना कोई कीर्तिमान बन रहा है। इस बार अच्छी गेंद वहां पर अली की, सफल होकर खेलना चाहते थे इस गेंद को, लवेश विकेटों के ऊपर से गेंद जाती हुई और अच्छी विकेट कीपिंग हम देख रहे शोमैन शुमैल सुसे की। इस बार देखना है लंबा हिट लगाया वहां पर, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है लंबाई कम और गेंद के नीचे वहां पर नयन, एक और विकेट गिरता हुआ हर्ष 11 का। वहां पर बहुत ही अच्छा कैच समाप्त किया नयन ने, बड़े शॉट का चयन किया था बल्लेबाज ने, लेकिन वहां पर मौजूद थे नयन और आउट हो गए बल्लेबाज लवेश। इस वक्त चौथा झटका लगता हुआ हर्ष स्पोर्ट को, बहुत देर से बल्लेबाजी कर रहे थे लवेश, अच्छी गेंदों को सम्मान देते हुए भी खेल रहे थे, लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि ये स्लॉग ओवर शुरू हो चुके हैं यहाँ से, तो लंबे हिट की तरफ वो जा रहे थे। 11 रन बनाकर वापस लौटे लवेश, अब उनकी जगह लेने के लिए इस वक्त वैभव। अच्छी गेंदबाजी हम यहाँ पर देख रहे अली की, पहले ओवर में भी जहाँ पर उन्होंने दो विकेट हासिल की थी, अब इस ओवर में भी एक बड़ा विकेट उन्होंने हासिल किया है। पहले ओवर में जहां 10 रन बने, उसके बाद दूसरे ओवर में अमजद ने 8 रन खर्च किए और उसके बाद हंजला ने तो लाजवाब गेंदबाजी की, सिर्फ 3 रन खर्च किया और एक विकेट हासिल भी की। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला हम देखेंगे सुरेश इंटरप्राइजेस और एसबी स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। टॉस बॉक्स में जो दर्शक इस वक्त बैठे हैं उनसे मेरी गुजारिश है आप लोगों को वहां से हटना है और दोनों कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। खेल थोड़ी वक्त के लिए यहां पर रुका हुआ है। इस वक्त गेंद के आकार को लेकर वहां पर कुछ समस्या है, एम्पायर ने गेंद बदलने की मांग की थी। कल हम देखेंगे BC4 के जब मुकाबले शुरू हो जाएंगे, भिवंडी सिटी BC4 के जब मुकाबले शुरू होंगे, तो पहला मुकाबला रहेगा कल के दिन नाना स्पोर्ट्स और चैलेंज स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कल के दिन का जो दूसरा मुकाबला रहेगा वो उस्मानिया स्पोर्ट्स और RD 4440 के बीच में, तीसरा मुकाबला हम देखेंगे जौली स्पोर्ट्स कामतगढ़ और शिवास 11 के बीच में, चौथा मुकाबला रहेगा सोना देवी टेमगर और वकी स्पोर्ट्स महापोली के बीच में, उसके बाद पांचवा मुकाबला रहेगा महेंद्रा स्पोर्ट्स और एमगार्ड वॉरियर्स के बीच में, उसके बाद कल के दिन का लास्ट मुकाबला रहेगा अमान स्पोर्ट्स और मैगी के बीच में। ये BC4 के कल के मुकाबले रहेंगे और आज यहां पर हम सिटी इमर्जिंग के ये दूसरा क्वार्टर फाइनल चल रहा है और आज ही के दिन दो टीमें निकल जाएंगी फाइनल के लिए। इस बार देखना है लंबा हिट लगाने की कोशिश वहां पर की और अपने फॉलो थ्रो में वहां पर कैच को समाप्त करना चाहते थे अली, कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान मिलता हुआ बल्लेबाज को, तो एक रन आया इस गेंद के ऊपर, स्कोर इस एक रन की मदद से आगे खिसकता हुआ 25 रन पर। अच्छी गेंदबाजी हम यहां पर देख रहे अली की, अब तक 3 विकेट हासिल की और इस गेंद के ऊपर भी विकेट उन्हें मिल सकता था, लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप हुआ और इस बार सामना करेंगे वैभव। इस बार अली की ये गेंद देखना है, हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, उसे
ऑन साइड में खेलना चाहते थे, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, फ्लाई स्लिप पे खड़े हुए खिलाड़ी रोहन जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक रन पूरा किया वहां पर बल्लेबाज ने। तो चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो सिर्फ 26 रन बने, जबकि पहले दो ओवर में 18 रन बन चुके थे, लेकिन उसके बाद हंजला और अली ने रनों पर रोकथाम लगाई है। अब देखना है लास्ट ओवर के लिए मेरे ख्याल से रोहन को वहां पर लगाया जा रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हमने देखी थी हंजला और अली की। लगातार यहाँ पर हंजला ने 3 रन खर्च किए थे अपने ओवर में, एक सफलता हासिल की। उसके बाद अली आए, उन्होंने 5 रन खर्च किए और एक सफलता हासिल की। अब तक पूरी तरह से बांध कर रखा है इन दोनों ही गेंदबाजों ने हर्ष स्पोर्ट को। अब दूंगा मौका एक सफलता यहां पर हासिल कर चुके हैं रोहन। इस बार लॉर्ड फिल टॉस गेंद उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी और नहीं रोक पाए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए थे, गेंद चली गई वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। तो बिल्कुल अच्छा स्ट्रोक आया इस वक्त वहां पर हर्ष इलेवन की तरफ से। सूरज एक बार फिर से वहां पर सामना करेंगे, एक बार फिर से लंबा हिट लगाने की कोशिश। देखना है जोरदार अपील होती हुई और अब जाकर सूरज की पारी समाप्त। एक और विकेट गिरता हुआ, क्या उसको देखना बोलना ये समझ रहा है तेरे को कुछ क्या हो रहा है। एक बार फिर से रोहन एक सफलता हासिल करते हुए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं रोहन की। भाई इस ओवर में अब तक 2 विकेट हासिल की है रोहन ने, जबकि रन उन्होंने खर्च किए 5 रन। पहले मुकाबले में भी रोहन ने अच्छी गेंदबाजी की थी और कल के दिन वो मुकाबला नहीं खेले थे। स्कोर हम देखें तो 32 रन बने हैं 32। ऐसे दो गेंदबाज हम देख रहे हैं ब्रोंडी टाइगर्स में जो कल के दिन नहीं खेले थे और आज उनको टीम में इंटर किया गया, लेकिन दोनों की हम अच्छी गेंदबाजी देख रहे, पहले हंजला की और रोहन की। स्कोर 32 रन हुआ है, पहली गेंद वाइड रही थी, उसके बाद एक विकेट फिर चौका फिर विकेट। बिल्कुल 11 रन, 5 काट दियो मैंने, 11 31 रन।
इस बार रोहन की ये गेंद वहां पर स्लो बाउंसर किया था, उसको पढ़ नहीं पाए थे बल्लेबाज और लेग स्टंप को छोड़ती हुई ये गेंद वाइड का इशारा। तैतीस रनों पर स्कोर पहुंचता हुआ इस दो रन की मदद से अच्छी गेंदबाजी करते करते इस बार अपनी दिशा से भटके थे वहां पर रोहन और उसको फायदा मिला इस वक्त हर्ष इलेवन को। इस बार सफल होकर इस गेंद को खेला है, देखना है ऊपर चले गई है गेंद, अब जाकर सेफ लैंडिंग होती हुई और उसी बीच दो रन पूरे किए। नहीं, इसमें गेंदबाज की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि ये अक्सर इस वक्त पर हम देखते हैं कि जब सामने कोई बल्लेबाज खेलता है गेंद ऊपर जाती तो इस ग्राउंड पर गेंद दिखती नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बल्लेबाज सामने सिक्सर मारता है तो हमें भी यहां से गेंद नहीं दिखती है। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं रोहन की। इस बार देखना है फिर से वहां पर लंबाई लगाने की कोशिश, कैफ है इस गेंद के नीचे और इस बार भी कोई गलती नहीं की। एक और विकेट गिरता हुआ हर्ष इलेवन का। सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन और एसबी के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में बैठना है, जो दर्शक वहां पर है उनको वहां से हटना है। रोहन इस ओवर में तीन सफलता हासिल करते हुए अब तक अपने और अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छी गेंदबाजी रोहन द्वारा। इस बार अपने फॉलर थ्रो में चूक गए थे वहां पर रोहन और मंकी आउट करना चाहते थे, जो हमने देखा था आईपीएल में रविचंद्रन अश्विन द्वारा जॉस बटलर को जिन्होंने आउट किया था इस तरह से। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीट वेट डॉट बॉल और इसी के साथ पांच ओवर की समाप्ति और कुल रन बने हैं 35 रन, 36 रनों की चुनौती रखी है ब्यूंडी टाइगर के सामने हर्ष स्पोर्ट ने। तो आइए दोस्तों, तीसरे क्वार्टर फाइनल का यहां पर टॉस होने जा रहा है, खेलने वाली टीम है एसबी स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस। मैं इस टॉस को अंजाम देने के लिए नियाज डॉन साहब और शकील खान साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आपको टॉस के लिए आना है। सॉरी, शकील कबाड़वाला और नियाज डॉन जी। तो आइए, एक बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है अंजुमन ट्रॉफी 2020 का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल, खेलने वाली टीम है एसबी स्पोर्ट्स
नौशाद खान फैम टीम और शुभस एंटरप्राइजेज। तो हमारे बीच में नियाज डॉन जी और शकील कबाड़ वाला और साथ में इशरार भाई भी है। तो देखना है हेड कहना था यहाँ पर शुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन उमेश का और आया है टेल। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई, शकील भाई और नियाज भाई आपका। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको वीआईपी डैश पे जाकर उसकी शोभा को बढ़ाना है। सबसे पहले फैसल, आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? हम फील्डिंग करना चाहेंगे। फील्डिंग करने का क्या ये कारण है कि हमने अक्सर देखा जब आप स्कोर को बचाते हैं तो आपके गेंदबाज रन खर्च कर देते हैं, क्या यही रीजन है कि आज फिर कोई प्लानिंग में चेंजेस है? नहीं, हम जैसे आराम से करते हम पहले फील्डिंग करेंगे। आज टीम में कुछ बदलाव है क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है फैसल पुलाड़ आज टीम में ही नहीं। हाँ, वो आज फैसल पुलाड़ टीम में ही ना, अपना टीम हुई है, कोई चेंजेस नहीं है। तो क्या हम उम्मीद करें एसबी स्पोर्ट जो इस साल नंबर दो पर रैंक कर रही है, क्या अपने नाम के अनुसार परफॉर्मेंस करने जा रही है? इंशाल्लाह जरूर। और हम देखिए दिगंबर, करण, अक्षय, सागर, इनके अलावा और किनसे उम्मीदें होंगी जो अच्छा परफॉर्मेंस करें? हाँ, दोनों पूरी टीम से उम्मीद है, पूरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त मेरे साथ सुरेश इंटरप्राइजेस के कैप्टन उमेश है, जिनके नाम इसी टूर्नामेंट में कीर्तिमान भी बना, जहाँ पर उन्होंने 6 गेंदों पर 6 विकेट भी लिए थे। उमेश, आपने टॉस हारा और आपको बल्लेबाजी दी गई, ये बताइए कि कहाँ तक जाना चाहोगे पहले बल्लेबाजी करते हुए? 50-55 के लिए आपके पास वो कौन से शुरुआती बल्लेबाज रहेंगे? समीर है, अतुल है, सागर है। और मैं आपको छोड़कर वो जो 3 गेंदबाज जो एसबी के बल्लेबाजों को यहाँ पर कठिनाइयों में डालेंगे उनके बारे में आप कहे? उनको ये प्रपोज करना है, अभी देखते हैं आगे। ये बताइए कि उमेश, आपने एक कीर्तिमान बनाया है जहाँ पर 6 गेंदों पर 6 विकेट लिए, तो कितनी आपको बधाइयाँ मिली है? बहुत बड़ी बधाई। क्या कहेंगे अंजुमन ट्रॉफी को, जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहा इस टूर्नामेंट में? बहुत इंजॉय किया, अभी ठीक है अभी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त टॉस को जीता एसबी के कैप्टन फैसल ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ये था जो टॉस हुआ है अंजुमन ट्रॉफी का, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल था जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल इस वक्त चलता हुआ। देखिए जो टॉस बॉक्स है लेट नाजिम अंसारी, यहां पर कोई दर्शक नहीं बैठेगा, सिर्फ जो टीमें के कैप्टन है वही बैठेंगे। आइए, एक बहुत छोटा टोटल भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है जिसका पीछा करने उतरी है। इस वक्त 36 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है भिवंडी टाइगर। मयूर पाटिल एंड सुमैल सुसे फैन टीम स्ट्राइक पर हैं। सुमैल पहली गेंद फुल टॉस कर बैठे थे, गेंद को स्वीप किया है, गेंद चली गई डीप मिड विकेट में, थोड़ा सा फंबल और मिले 4 रन। बीच सड़क में रोके दूंगा मौके देखने के मेरे शौके शौके चौके, तेरे पीछे पड़ा हूं लाखों लड़कियों के दिल ठोके ठोके। फुल टॉस गेंद कर बैठे थे वहां पर और सुमैल सुसे ने उसका भरपूर लाभ उठाया, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाहर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, गेंद गई शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं इस लक्ष्य के मुकाबले में, लेकिन कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी इस वक्त हर्ष इंटरप्राइजेस को। 2 से 3 बड़े झटके आपको देने होंगे शुरुआती, तब आप मुकाबले में बने रह सकते हैं। अजय, उनकी ये गेंद इस मर्तबा काफी दूर की, सवाल पूछा यस, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गई थी, कोई मुश्किल नहीं थे अंपायर के लिए, अपील की गई और उसका जवाब भी यस रहा। पहला झटका लगता हुआ डरती है मुझ पे, तू मरती है,
दिल की तू बातें सारी खोल हमारे साथ जुड़ चुके राकीब अंसारी के भाई। टॉस बॉक्स में अगर किसी टीम का खिलाड़ी भी पाया गया तो फिर पेनल्टी दे दी जाएगी। हमारे बीच में जुड़ चुके हैं हैदर अंसारी, महमूद अंसारी, बरकत अंसारी, साजिद अंसारी, राकीब अंसारी के चारों भाई इस वक्त बड़े जो इस वक्त राकीब अंसारी को सुन रहे हैं और कई लोग इस वक्त YouTube पर उनकी आवाज़ सुन रहे हैं। बहुत ही ऊंची क्लास की वो अब कमेंट्री करने लगे राकीब अंसारी अजय मुड़ते हुए। इस मरतबा स्विच हिट किया है गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, कोई मौका नहीं, चार रन। जल्दी अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहती है मयूर पाटिल एंड सुमेल सोसे फैन टीम। अजय मुड़ते हुए कैफ के लिए फुल टॉस दे बैठे, स्लॉग स्विप किया गेंद को, डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं। एक रन लिया, दूसरे की मांग, थोड़ा सा फंबल और दो रन मुकम्मल। जी हाँ, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छे भी स्ट्रोक आ रहे हैं और साथ ही साथ रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही अच्छी होती हुई इस वक्त ब्यूंडी टाइगर के सलामी बल अरे सुमेल और कैफ द्वारा। राकीब अंसारी की भतीजी भी हमारे साथ है यगशा अंसारी, आपका भी खैर मकदम है। इस मरतबा गेंद की लाइन से हटे, उठा दिया गेंद को खाली क्षेत्र में, वन बाउंस पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। फिर रोहन भानुशाली ने यह बता दिया है कि वो कितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 9 रन दिए और 3 बड़ी विकेटें अपनी टीम भिवंडी टाइगर को दी जाई हैं। लेकिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हमने हर तरफ करते हैं ग्राउंड के अवार संदेश पवार को नहीं देखा, यही कारण था कि रोहन भानुशाली को इन किया और बड़ा विकेट, और ये साबित किया है कि वो भिवंडी टाइगर में इन रहने के काबिल हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी डेथ ओवर में, इतनी बेहतरीन गेंदबाजी, वो भी 3 विकेट हासिल किए। और यहाँ पर कैफ राइस ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की पहले पावर प्ले में, जहां पर 3 गेंदों का उन्होंने सामना किया और 10 रन जड़े। सुमेल सुसे भी एक बाउंड्री लगाकर इस वक्त नाबाद मौजूद है। श्रीति गेंदबाजी करेंगे, सामना करेंगे सुमेल। नहीं, आपको विकेटें हासिल करनी, अगर आप विकेटें हासिल नहीं करेंगे तो ये मुकाबला जो है वो एक तरफा चला जाएगा। आप झटके दें, आप कम से कम गुच्छों में विकटें लें ताकि आने वाले बैट्समैन पर दबाव बने और फिर मैच बन जावे। क्या यहां से 1 या 2 विकेट से काम नहीं चलेगा, गुच्छों में हासिल करने होंगे विकेट। ये देखिए बढ़िया गेंद, सवाल किया वहां पर लेकिन अभी तक बिल्कुल अब जाकर आउट घोषित किया क्योंकि बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद गई थी, कटर था, बाहर की तरफ जानिब काटा था, रिवर्स खेलना चाहते थे सुमेल, आउट हो गए। और आउट होने से पहले सिर्फ 5 रनों का योगदान वो दे पाए अपनी टीम भिवंडी टाइगर को। जी आज कुछ बड़ा नहीं कर सके अपनी टीम के लिए, पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहे थे सुमेल सुसे, इस वक्त आउट होकर पवेलियन लौटते हुए एक बाउंड्री लगाई थी पहली गेंद का जब सामना कर रहे थे। इस बार अपना फेवरेट स्ट्रोक खेला था सुमेल सुसे ने, और हम कहते हैं इफ्तिकार अंसारी आप अक्सर अपने फेवरेट स्ट्रोक पर ही आउट होते हैं। बिल्कुल, कोशिश की थी वहां पर, कटर थी और जाल में फंस गए थे, लेकिन सुमेल सुसे जो ग्रैंड फिनाले में बल्लेबाजी की थी संयुक्त कप के, उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि सुमेल अब अपने टच में आ चुके हैं और इनका टच में आना इनकी टीम के लिए बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि वो सलामी बल्लेबाज है, जब आपको शुरुआत अच्छी मिल जाती है ना तो फिर अंजाम भी अच्छा होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से इस वक्त विकेट हासिल किया है, यहां से एकाध विकेट और हासिल कर लिया जाए।
लेकिन बल्लेबाजी को आए हैं फैजान जो निकाल देते हैं गेंदबाजों की जान। ये बैट्समैन तो ऐसा है कि मैं इसके लिए यही कहता हूं कि अगर एक मर्तबा इस बैट्समैन के बल्ले पर अगर गेंद आ गई तो फिर गेंदबाज की कमर तोड़ देते हैं। गेंदबाज श्रीतेज पहली सफलता दूसरी सफलता दिलाई अपनी टीम को मुड़ते हुए वीआईपी एंड से। ये गेंद इस मर्तबा खाली क्षेत्र में खेला है, इनफील्ड के ऊपर से गेंद पहुंची है वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक रन। स्कोर खिसक कर पहुंच चुका है इस वक्त 16 रनों पर। अभी भी जीतने के लिए 20 रन चाहिए, आपके पास गेंदे बहुत हैं। बिल्कुल बावीस गेंदे हैं आपके पास। इसके बाद बड़ा मैच, अच्छी गेंद रिवर्स खेला उस गेंद को एक रन, लेकिन जयेश जोशी ने जो सिक्सर लगाया था अपनी टीम के लिए संयुक्त कप में वो बहुत जरूरी था और उस वक्त वो भी टच में आए जब टीम को उनकी जरूरत थी। लेकिन अमजद शेख कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी को लेकर, देखना है कि बड़े मैच में वो क्या करते हैं। हालांकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, ये देखिए छोड़ दिया उसे, जानते थे काफी बाहर है, वाइट घोषित करेंगे। स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 18 पर, बहुत कम टोटल है जिस पर आपके गेंदबाज के पास कोई विकल्प नहीं होता, कोई चारा नहीं होता कि वो क्या करें। 36 का लक्ष्य है और अब तक टोटल 18 हो चुके हैं, दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। जी हाँ, अब यहाँ से देखे तो और 18 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए प्योंडी टाइगर को। लेकिन पहली मर्तबा सिटी इमर्जन के अंडर में आप देखने जा रही सुरेश दिवलीकर कप डे नाइट। सिटी इमर्जिन भी अब बहुत तरक्की करने लगी है और हर बड़े कप में अब कम ज्यादा 16 टीमें सिटी इमर्जिन की खेलती हैं। नए सितारों को चमकने का मौका दिया जा रहा है और चमक कर सिटी इमर्जिन से पिछले सीजन चमके और इस सीजन BC4 के फॉर्मेट में तहलका मचा रहे हैं अकबर, उमर खान, अंजुमन के फैसल। इस बीच अगली गेंद वाइड। जी हाँ, बहुत ही सही कहा आपने, जब खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो उस पर चौका भी लगाते हैं और अपने नाम को बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखवाते हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी उमर खान ने भी MJ के BC4 फॉर्मेट में पाइनियर स्पोर्ट्स के लिए और 2.3 ओवर में उस मुकाबले को पाइनियर ने जीत लिया था। इस मर्तबा हुक्किया गेंद को, खाली क्षेत्र में गेंद जा रही है वन बाउंस पर बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। इतनी गरी है अभी जरा वेट तू कर ले, हर बार मैं करूं प्यार की बातें आज भी शेट तू कर ले। इतनी गरी है अभी जरा वेट तू कर ले, हर बार मैं ही करूं प्यार की बातें। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा इस वक्त 23 पर, अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुकी है सुमेल सुसेंड मयूर पाटिल फैन टीम। एक कप के साथ एक पर रिंक कर रही है राहुल गुप्ता शिवास 11 एक के साथ एक पर और अमान टूर एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर फैन टीम अमान स्पोर्ट्स एक कप के साथ एक पर। इस सीजन आकलन लगाना मुश्किल है। बढ़िया गेंद, मुश्किलें बड़ी थी वहां पर, सवाल कर रहे हैं यह 3 विकेट कीपर, लेकिन अंपायर टस से मस नहीं, क्योंकि जब आप सचिन तेंदुलकर के साथ खेल लेते हैं, जब उन्हें आप एक बार तब आउट कर लेते हैं तो फिर आपका जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल हसन मोमी ने, जी हाँ हसन मोमी वही खिलाड़ी जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया। इस मर्तबा गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी है, थोड़ा सा फंबल, दूसरे के लिए पलट गया बैट्समैन और 2 रन मुकम्मल। जी हाँ, डीप में थोड़ी सी मिस फील्ड हुई खिलाड़ी से, उसका लाभ उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने, फैजान और कैफ ने, और 2 रन बटोर लिए अपनी और अपनी टीम के लिए। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टोटल स्कोर बहुत है 25 हो चुके हैं, 2 झटके लगे,
सुमेल ने आउट होने से पहले 5 का योगदान दिया। वहीं कल्पेश सुन्न का चश्मा पहनकर इस वक्त प्लेस पवेलियन से मैच का आनंद लेते हुए, कल्पेश हमारे साथ 12th मैन भिवंडी टाइगर के, और दीपेश 12th मैन हर्ष 11 के। एक तरफ अगर खुशी है तो एक तरफ गम है, कभी खुशी कभी गम। खुश हैं कल्पेश, लेकिन हर्ष के जो 12th मैन है वो अपनी टीम के परफॉर्म से खुश नहीं है। जी हाँ, क्योंकि 2 ओवर में 25 रन बना लिए इस वक्त भिवंडी टाइगर ने, और अब बची हुई 3 ओवर में यानी 18 गेंदों में केवल 11 रनों को जरूरत है भिवंडी टाइगर को ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। शहबाज शेख का जो शो होता है वो अंदाजी बहुत जुदा होता है। कहते हैं कि जिसने खेला वो भी पछताया, और जो नहीं खेला वो तो फिर अपने हाथों को चबा लेता है कि क्यों नहीं खेली अंजुमन ट्रॉफी, क्यों नहीं जुड़ा शहबाज शेख के साथ, निहाल शेख के साथ। आखिरी दिन सिटी इमर्जिंग पोल का कल से आप देखेंगे BC4 फॉर्मेट। कहीं भी मत जाइए दोस्तों, क्योंकि कल से आपके साथ जुड़ जाएंगे बहुत ही ऊंचे क्लास के कमेंटेटर, द वॉइस ऑफ थाने सिद्दीक भाबे। जी हाँ, पार्लोर फुट आउट गेंद थी, उसे ऑन साइड में टर्न कर दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर 26 पर जा पहुंचा है, लेकिन सुमित दादा का वादा पक्का इरादा, इनामत ज्यादा से ज्यादा 14-15-16 फरवरी आप देखेंगे हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर लेट विनोद मामा कप। इसके बाद हम आपको मिलेंगे बुर्राक ट्रॉफी में हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज पर हमीद शेख की पेशकश, उसके बाद बिग मैन बिग शो आप देखने जा रहे हैं SB ट्रॉफी जिसके लॉट कल होने। इस मरतबा स्विच हिट किया है गेंद को, क्या स्विच हिट खेला था CM चषक में फैजान ने यासिर शेख को, सिर्फ गति का उनके इस्तेमाल किया था और अभी तक वैसा स्विच हिट देखने को नहीं मिला है राकिब। जी हाँ, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है फैजान, कलाइयों का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही दम खम है इनकी बल्लेबाजी में। सामना करें कैफ, स्कोर है 27 रन। इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड में, 1 रन लिया, दूसरे की मांग, 2 रन मुकम्मल। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों टीमें बैलेंस थी, बहुत ही कट टू कट मैच देखने को मिलेगा, लेकिन रन जो थे वो बहुत कम बनाए गए हर्ष इंटरप्राइजेस की जानिब से। यही कारण है कि ये मुकाबला एक तरफा है। इस मरतबा स्विच हिट, जीवन दान मिला वहां पर कैफ रईस को, स्कोर जा पहुंचाए 30 पर। जीतने के लिए चाहिए 6 रन और आपके पास गेंदे हैं 14, एक तरफा मैच। उम्मीद ना रखना, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है, कहीं कोई कलाई एक चूड़ी को तरसती है, कहीं कंगन के झटके से कलाई टूट जाती है। इस मरतबा घूम के खेल दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, खिलाड़ी हैं ये देखिए कितने खतरनाक है ये दो बैट्समैन, विकेटों पर दौड़ते हुए बल्ला बदल लिया, कितना समय का सहयोग करें अंजुमन ट्रॉफी को। स्कोर 31 है, 5 और चाहिए मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में जाने के लिए। बढ़िया गेंद, बल्लेबाज को चकमा दिया, 1 रन। स्कोर 32 पर जा पहुंचा है, 12 गेंदों में चाहिए 4 रन, लेकिन इस सीजन अगर किसी का बोल बाला है तो सिर्फ वो। मैंने ये कहा कि RK का बल्ला तो माशा अल्लाह, जिसने लिया RK का बल्ला उसने किया भिवंडी शहर और उसके आसपास हल्ला, रजी कुंवारी और ग्यासुद्दीन शेख जो इस सीजन नहीं कई सीजन से वो बहुत ऊपर जा चुके हैं बल्ले की दुनिया में।
सिर्फ 4 रनों की जरूरत है इस बीच वाइड गेंद। डूबते को इस वक्त तिनके का भी सहारा नहीं है, कश्ती में छेद है और उसमें एक और छेद किया वाइड डालकर। 3 और चाहिए, मुकाबला खत्म होने वाला है। यह देखिए हिट किया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन और भिवंडी टाइगर सेमीफाइनल की तरफ।